ਲੋਰ ਨੀ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਲੋਰ ਨੀ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਖਾ ਲੋ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਖਾ ਲੋ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਲੋਰ ਨੀ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਲੋਰ ਨੀ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਵੀ ਭਗਤੀ ਭੰਡਾਰੇ ਮਿੱਟੇ ਚੌਲਕਾ ਸਾਈ ਪੀਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮਿੱਟੇ ਚੌਲਕਾ ਸਾਈ ਪੀਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮਿੱਟੇ ਚੌਲਕਾ ਸਾਈ ਪੀਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮਿੱਟੇ ਚੌਲਕਾ चलो चलिए लुआरी थोड़ी करिए कुआरी की टिकांगे दी कुआरी हूं चढ़िए कुमारी इथे गबरू जवान खांदे कीने वाले नान इथे गबरू जवान खांदे कीने वाले नान बोल चारा पहलवान लोकी करते ने मान बोल चारा पहलवान लोकी करते ने मान इथे मेले लगते लोरे इथे खुशियां करते लोरे इथे भंगड़े पांदे इथे जगते ना कोई तोड़े लोरे 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 ਧਰਮਪੁਰਾ ਤੇ ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਿਜਨ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਲੀ ਰੋਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪਾਟੀ ਚੱਪੁਰ ਜੀ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸਾਏ ਪੈ ਗਏ ਤਬਲਾ ਸਿਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਨਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤਬਲਾ ਸਿਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਨਕਾਰ ਕਾਂ ਤਪ ਮੋਸਿਕਾਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕਾਂ ਤਪ ਮੋਸਿਕਾਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਇੱਥੇ ਹੈਦਰੀ ਮਲੰਗ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅੰਗ ਅੰਗ ਇੱਥੇ ਹੈਦਰੀ ਮਲੰਗ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅੰਗ ਅੰਗ ਲੱਗੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰੰਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਦੰਗ ਲੱਗੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰੰਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਦੰਗ ਇੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੇ ਹਾਂ ਲੋ ਲੋਰੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਲਿਖਾਂ ਲੋ ਲੋਰੇ ਇੱਥੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਲੋ ਲੋਰੇ ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜੇ Lore, 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 ਬਰਫੀਆਂ ਲੱਡੂ ਕਤਲੰਮੇ ਤੇ ਪਾਪੜ ਵੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸੋਡਾ ਪੀ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਾਰਕਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਗ ਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਗੁਲਬਰਗ ਵੜਦੀ ਠੰਡ ਪੀਤੀ ਪੈਪਸੀ ਮਰ ਟੋਨ ਗਰ ਟੋਨ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਹੋਣ ਥੋੜੀ ਆਏ ਤਿੰਨ ਸੈਂਸ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਡਿਫੈਂਸ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫੁੱਟ ਰੈਸ ਇੱਥੇ ਲੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਛਾਂਤੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਬਣਦੇ ਇੱਥੇ ਜਗਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੋਲੇ ਬੱਲੇ 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 ਜਿਹਨੇ ਲੋਰ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਜਿਹਨੇ ਲੋਰ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਜਿਹਨੇ ਲੋਰ ਨੇ ਤੱਕਿਆ
भले भले ओ खा लो दही भले 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 ओ खा लो दही भले ओ जिन लो निकके आओ जमया ने 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 जिन लो रे आओ जमया ने जिन लो रे आओ जमया ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के दिन लाहौर में सुबह के ठीक 7 बजने वाले हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले आइए हम आपको एक खूबसूरत शेर सुनाते हैं 2016 की रुख्सती की मुनासबत से। गाफिल ये घड़ियाल तुझे देता है मनादी, गर्दों ने उम्र की एक घड़ी और घटा दी। आगाज़ हुआ जनवरी से और ये भागना शुरू हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दिसंबर को आन टच किया। फिर ये थक गया, कॉल करना शुरू हो गया है। ये देखिए लाहौर को, शेरे दिल लाहौरियों के लाहौर को, इससे डेंस फॉग, जो डेंस फॉग है उस चादर ने, ब्लैंकेट ने लाहौर को लपेटा हुआ है। सुबह का आगाज खूबसूरत डेंस फॉग से हो रहा है। ये देखिए खूबसूरत मंजर, हम इस वक्त मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन 16 पे मौजूद हैं। खूबसूरत फॉग, खूबसूरत इस मौसम में हल्की हल्की फुल्की के साथ, कोई इतनी ठंड नहीं है। दिसंबर चिल्ड होता है लेकिन इतनी ठंड नहीं है। मेट्रो स्टेशन पे हम मौजूद हैं, लोग इस वक्त अपने काम पे जा रहे हैं। धुंध ने तमाम लाहौर को, ऐसे लगता है जैसे ऑलमोस्ट सारे पंजाब को धुंध ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। लेकिन ये वक्त का पहिया कहाँ रुकता है? काम पे लोग जा रहे हैं, ड्यूटीज पे जा रहे हैं, तो 2016 में कई मोड़ आए। सियासी पहलवानों ने दंगल लड़े, पनामा आया, अदालत उज़्मा की चौकट पे पनामा के खिलाड़ी पहुंचे हुए, देखिए क्या फैसला होता है। लेकिन अदालत उज़्मा के अंदर तो महज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू, जज साहबान के नहायत शाइस्ता ज़बान में सवालात, लेकिन बाहर अदालत उज़्मा के बाहर ऐसे लगता है जैसे हम मजबूर हैं, उस वल्ला कुछ कह भी नहीं सकते कि अदालत के बाहर जो हो रहा है वो अदालत उज़्मा भी देख रही है, कौम भी देख रही है और दुनिया भी देख रही है। हम नादन इस बात पे कि जब एक आपने जंजीरी अदल हिला दी तो फिर बाहर खोल धमाका करने की शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन सियासी अखाड़े के पहलवान स्कोरिंग के लिए ये सारा नाटक बाहर बचाए हुए हैं। यकीनन अदालत उज़्मा जो है उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, वो मेरिट पे फैसला करेंगे। खुदा करे उनको अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो इंसाफ का हथौड़ा दुरुस्त चलाएं और जो जो मुजरम हैं उनका सर कुचल दे। झूठों को भी सज़ा होनी चाहिए, फायर नाराबाजों को भी सज़ा होनी चाहिए, कानून का बोल बाला होना चाहिए, तो मुल्क का वकार बढ़े।
कभी हम अपने घर की खबर, छोटी मोटी खबर नौकरानियाँ और आज़म को लीक करते थे, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि वज़ीर आज़म हाउस से कॉन्फिडेंशियल खबर का लीक हो जाना ये बेहद ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मौसम एंजॉय कीजिए। लाहौर इस वक्त खूबसूरत डेंस फॉग की ब्लैंकेट ओढ़े हुए हैं, लोग काम पे जा रहे हैं। नॉर्मली धुंध जो है स्टार्ट होती है नवंबर में, आज ये दिसंबर से ये सीन शुरू हो रहा है। आइए पाकिस्तान के लिए मिलकर दुआ करते हैं, ये तरक्की करे, ये फ्लरिश करे, यहाँ के लोग खुशहाल हों, पाकिस्तान फले फूले, अक़वाम मुत्तहिदा पे हमारे फ्लैग बुलंद हों, हमारा सर बुलंद हो, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कदर हो और हम इज्जत वक़ार से रहें। हमारे साथ रहिएगा, हम इंशाल्लाह फिर नहायत खूबसूरत दिन के साथ, नहायत खूबसूरत मौसम के साथ फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने सोचा कि बाकमाल 20 करोड़ पाकिस्तानियों के बेमिसाल शहर लाहौर को आज खूब जी भर के आपको दिखाएं। इस वक्त हम अजीम शाहरा, अजीम ब्रांडेड स्टोर की ये बुलेवार्ड मॉडल टाउन लिंक रोड पे मौजूद हैं। ट्रैफिक का पहिया रवादहाँ है। खूबसूरत ये मॉडल टाउन लिंक रोड की खसूसियत यह है कि इस पे तमाम लाहौरिये आके शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी शूज़ की बहुत बड़ी ब्रांडेड शॉप्स, स्टिच गारमेंट्स। और सबसे बड़ा खूबसूरत मैकडॉनल्ड, पेस, स्टाइलो, एंड व्हाट नॉट, ये इस पे मौजूद हैं। ये देखिए इस वक्त ट्रैफिक रवादमा है, लोग काम पे जा रहे हैं, एक भाग दौड़ लगी हुई है। मासूम बच्चे स्कूल जाने के लिए इस धुंध को एंजॉय करते हुए अपनी दरसगाहों की तरफ रवाना है। अभी हम चंद में पहले जिक्र कर रहे थे कि 2016 में स्कैंडल आए, खुशियां आईं, हंगामे आए, कहीं दुख भरी कहानियां आईं। कराची के इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी, होटलों में आग लगी। नाज़रीन, हम बहुत बड़े हादसा जो कल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जहाज़ चित्राल से इस्लामाबाद आ रहा था, हादसे का शिकार हुआ, हम उस पर तफसीली प्रोग्राम कर चुके हैं और एक आध रोज़ में उसके असबाब ढूंढने के, उस हादसे के खौफनाक और बदनसीब हादसे के असबाब ढूंढने के लिए हम बहुत बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं सिविल एविएशन अथॉरिटीज़, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के माहरीन से आपकी मुलाकात करवाएंगे, हम उसके प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि ये लाहौरियों का जो दिल है, मॉडल टाउन लिंक रोड शॉपिंग हब है लाहौर का, इसको धुंध ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। ये बच्चों की वैंस, कहाँ रुकता है?
कल 2015 का दिसंबर था, आज 2016 का दिसंबर, लास्ट ब्रीदिंग कर रहा है, घूमते आई, घूमते गई, कहीं ट्रंप साहब जंप लगा रहे हैं, कहीं 27 दिसंबर को एक नौजवान बच्चा जनाब बलावल भुट्टो जरदारी वो मोहम्मद अली कले मरहूम की तरह रिंग में जंपिंग करनी शुरू कर रखी है। काम किया है हम इतनी बड़े होने के नाते सिर्फ एडवाइस करेंगे कि अदबो एहतराम का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बलावल हुकूमत गिराए, पहाड़ गिराए, लेकिन पाकिस्तान का फ्लैग बुलंद करने में उसको पॉलिटिकल रिंग में जंपिंग होना चाहिए, लेकिन बड़ों की पगड़ियाँ नहीं उछालनी चाहिए। बदतमीज़ी वो कोई ख़ानदान भी हो, कोई बच्चा भी हो, कोई अलीट फैमिली से हो, उसको जेब नहीं देती। तो बड़ों का एहतराम करें, सियासत करें, लेकिन ज़बान का इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए। माजी के लीडरान ऐसे नहीं करते थे, लेकिन न जाने इस नस्ल को क्या हो गया, कौम को क्या हो गया, बदतमीज़ी है, बेहरारवी है। खुदा के लिए हम अपना वकार दुनिया में बुलंद करने के लिए अल्फाज के चुनाव में तो एहतियात करें। नाज़रीन, मौसम के साथ साथ सियासी गुफ्तगू जारी थी। हम एक बार फिर इंतहाई दुख के साथ शेयर करते हैं PIA के हादसे में दुनिया से रुखसत होने वाले अजीम मुसाफरों और उनके लिए दुआगो हैं, उनके ख़ानदानों के लिए, लवाकिन के लिए दुआगो हैं। परवरदिगार उनको सब्र दे और ये मुल्क तरक्की करे, ये खूबसूरत लाहौर, तमाम शहर लाहौर बने, तमाम शहर, तमाम चप्पा चप्पा करिया करिया जो है वो लाहौर की तरह खूबसूरत हो। क्या हम अदालत आलिया और अदालत उज़्मा से एक दरख्वास्त ज़रूर करेंगे कि जो मेट्रो ट्रेन है उसके जो खंडरात हैं, जो उनके हुक्म इम्तनाई की वजह से लोग उसमें गिर रहे हैं, गाड़ियां गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, दरख्वास्त ही कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं कोई फ़ैसला जल्द कर दें। कौम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इस धुंध में वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। हमारी दरख्वास्त है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप रुखसत हो रहे हैं, कोई ऐसा फ़ैसला कर दीजिए जिससे अरबों रुपए डूबने से बच जाएं और आवाम भी उन खड्डों में डूबने से बच जाएं। दिसंबर रुखसत हो रहा है, एक बहुत बड़ा सिपा सालार खामोशी से चला गया, अल्लाह उनको सेहत दे और मुल्क की खिदमत बिहाइंड द डोर रह के अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दिसंबर की आखिरी अयाम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रुखसत हो रहे हैं, मौसम रुखसत हो जाएंगे, साल रुखसत हो जाएंगे, लेकिन तारीख रुखसत नहीं होती। अपने ऊपर, अपने सीने के ऊपर बहुत बड़े अल्फाज में वो कंधा कर लेती है, किरदार जो हैं उनका वो तय्यन करती रहती है। आइए हम मिल के दुआ करते हैं कि परवरदिगार पाकिस्तान को दुनिया में, दुनिया का जो अक़वामे मुत्तहिदा के फ्लैग्स लगे हुए हैं उसमें सबसे ऊंचा हमारा झंडा हो, हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। फिर अच्छे मौसम में अच्छी ख़बरों के साथ दोस्त टेलीविजन की ये टीम हाज़िर होगी। बहुत सारा ख्याल रखिए, पाकिस्तान है तो हम हैं, हु लिव इट डज नॉट लिव। खुदा हमारे पड़ोसी को भी हिदायत दे, अमन से रहें और हम दुनिया के लिए अमन का पैगाम हो। जो बच्चों के गले काटते हैं परवरदिगार उनको भी हिदायत दे दे या नेस्तो नाबूद कर दे। खूबसूरत वेदर,
कहाँ जाए दिस फॉग. आई विश यू वेरी हैप्पी डे. पाकिस्तान सारा मॉडल टाउन लिंक रोड से अपने मेज़बान की कुक जावेद कमियाना को इजाज़त दीजिए. पाकिस्तान जिंदाबाद.